लड़का उनके साथ में था, छोटा सा लड़का, और ये गई और जाकर के पांडाल में बैठ गई, अपना कीर्तन बजाने लगी आपस में औरतों के साथ में। तो एक कदम तो उनका लड़का चिल्लाने बोला, अम्मा अम्मा हमका मुतास लागे। हाँ ऐसे बोला तो बेचारी फौजियाइन बड़ी शर्मा गई। अब अगल बगल वाली औरतें बोली, अरे फौजियाइन तुम इतने बड़की बड़े घर की हो और तुमने लड़के को संस्कार कैसे दिए, देखो कैसे ठरिया बोल रहा है। तो फौजियाई ने सोचा, अब कथा है 9 दिन की, आज जो है पहला दिन, अब तो 8 दिन बने और रोज वही से बोली तो हमार तो बेइज्जती करा दी। हाँ तो इन्होंने बेटे को एकांत में ले जाकर के एक बात बताई कि सुन रे ऐसी सुन, जब जब तो इका पेशाब ला गए तो हम तो इतना कह दे कि मम्मी मम्मी हम गाना गई बे, तो हम तुमका कोने में ले जाए गवाई ले जाए चुप पाए कोई जानी नहीं पाई ठीक है। तो लौंडा रहा है बेचारा छाट, अब जौन अम्मा से खई है वो सीखेगा। बोला ठीक है हमका जब पेशाब लागे हम कह दे हमका गाना गवास लागे। तो अब वही रोज का इनका नियम बन गया, और जब भैया वही का पेशाब लागे तो अत्ता खाए मम्मी मम्मी हमका गाना गवास लागे, तो मम्मी का कोने में ले जाए चुप गवा ला। हाँ अब धीरे धीरे भागवत विराम हुई, फौजियाई चली गई अपनी माई के, लड़का रह गया फौजी के पास में, वो भी बॉर्डर से आ गए घर। अब लड़का जब रह गया फौजी के पास में, तो एक रात की बात है कि फौजी और उनका लड़का साथ ही साथ में लेटे थे, और सर्दी का था समय, और जब साथ ही साथ में लेटे थे तो एकदम क्या हुआ भैया वो लौंडवक लागे पेशाब। हाँ तो धीरे अपने पापा से बोला, पापा हम गाना गई बे। अब पापा बोले आधी रात ही गई गाना गई बे, अगल बगल वाले बेचारे ड्यूटी जाते हैं आदमी, और रात में का सोचे हैं कि देखो फौजी का लौंडा कैसे रात में चिल्ला रहा, वो बेचारा समझे नहीं पावा ये काहे की बात कह रहे। हाँ वो फिर बेचारा चुप में पर रहा। अब परीक्षित महाराज कोई रोके वाली चीज हो तो रोक ली जाए। हाँ अब 10-15 मिनट लग तो वो रोके रहा कर रही करी कर। 10-15 मिनट बाद में सब जब खौलनी मची प्याटम, फिर वाला पापा पापा बहुत जोर गवास लागे गाना गा ले देव। फौजी बोले तुम्हारा दिमाग खराब, अगर ज्यादा तुम्हारा गाने का मन है तो सुबह गुरु कृपा डीजे लगवा देंगे उसमें गा लेना। हाँ खूब बढ़िया माइक आइक लगवा देंगे खूब गा लेना। लौंड भाई सोच ये बढ़ूना कौन गाने की बात कह रहा है, अब खुल के ना बतावे क्योंकि माँ ने कहा था बताना तो यही बताना। तो जब लड़के ने बहुत परेशान कर लिया नहीं रहा गया, तो जब पिताजी ने डांट दिया तो बेचारा फिर चुप्पे पर रहो। और थोड़ी देर के बाद भैया जब सीमा रेखा के बाहर बात हुई गई, अब ना ही बर्दाश्त हो तो दीने से रजाई में लाता, कह लग पापा अब चाहे तुम हमका मार्डर हो हम गाना जरूर गाए भी है। तो पापा सोचे कि लौंडवा मानी नहीं, तो बोले ऐसे भैया देखो जोर जोर गई है वास पड़ोस वाले सुनिए हमारी का इज्जत रह गई है, अगर तुमका ज्यादा गवास लागे तो इसका चुप्पे हमारे काने में गा लियो। हाँ और का हमारे काने में गा लियो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और कोई पड़ोसी बोरव न मनी है। अब लौंडवा सोचे का पापा सही कह रहे हो काने में गा ले। हाँ गा लियो लेकिन आराम में गाय हो। हाँ लला रवि आराम में गायो। तो लौंडवा कहा हाँ पापा तुम टेंशन ना ले हो हम आराम में गाए भी ऐसे गाए भी तुमका तन की भनक नहीं लगी। बोले हाँ ले गाओ पापा तनु कान ऐसी लाओ। तो भैया लौंडा ही कहा कि नहीं गाना गाए नहीं। अब वो गाना आईस भैया गाना आईस गाना आईस गाना गाने लौंडा ने कि गाना भैया कान में लवा लब। हाँ गाना लवा लब और पूरे रजाई भरे में पूरे खटिया भरे में गाना मारा मारा घूमे। हाँ गाना मारा मारा घूमे। तब फौजी कहने यो भैया कौन गाना गाए। बोले हम यही तो बातें करी दे रहा है। हाँ इसीलिए कहते हैं जैसा संस्कार देंगे बच्चों को वो वैसा ही बन के निकलेंगे है ना।